और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, इसी को पाप कहते हैं। जो करना चाहिए कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, और ये काम सरकार का है देखना, समाज का है देखना, न सरकार देख रही है न समाज देख रही है, दोनों में कोई नहीं देख रहा है। तो ये जो पाप की व्यवस्था है चारों तरफ, पाप का शासन प्रशासन चलाया हुआ है, तो जिनके परिवार से वो मायूस हो गए,
कि अब क्या होगा, हम तो जेल में रहेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या भविष्य होगा। तो जाकर के उन्होंने बाबा से इस बात को कहा कि बाबा ये क्या हो गया, हम लोग तो धर्म पर थे और उनको सजा हो गई, कैसे विजय होगी, कभी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस तरह के मनोभाव को उन्होंने व्यक्त किया। तो बाबा स्टेशन पर लाए गए थे क्योंकि वो अनशन पर थे और लेटे रहते थे हमेशा, वो एक आँख खोले गंभीर मुद्रा में और उन्होंने कहा कि तुम लोग अग्रणी हो, युवा की पाय नहीं है, युवा की भय का तुम अग्रणी हो, जैसे चेहरा चलती है ना तो आगे आगे एक मुख चलता है जिसको भयंकर कहते हैं, जो आगे से काट करता है कि कहीं रास्ते में चट्टान हो, पत्थर हो, नदी हो, पहले से सूचना देता है और वो अवरोध को हटाना है तो हटा भी देता है, जिससे कि सेना आगे जाए ताकि लड़ाई करे। कहते चाहे कांटों पर चलना हो या आग में जलना हो, लेकिन बाबू से हमारा समझौता नहीं हो सकता है। ये करके उन्होंने अपना बात समाप्त किया। जितना उत्साह के बनाएगा सोचे कि अरे जो होगा परमात्मा है तो हमें किस बात की चिंता है। इसीलिए आप अग्रणी हैं, आप एक महान मिशन के महारथी हैं, स्वागत करो, स्वागत गान सुनो, उनका स्वर्ग आ रहा है धरती पर। अभी तक नेता तो वादे करते रहे थे लाने का, लेकिन हम लोग तो स्वर्ग ला करके ही रहे। और मैंने तो पहले भी कहा है कि बहुत से लोग कहते थे मुझको कि अरे आपके रहते हो गया जो हो गया बाद में पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा मेरे रहते ही होना है, रह करके ही मुझे जाना है, क्यों मैं माला करने के लिए नहीं आया, काम करने के लिए आया हूँ। और मुझे भी पापी की ताकत देखनी है और धर्म की ताकत भी देखनी है। हम धर्म जय करते हैं तो क्यों नहीं हमकी विजय होगी, क्यों नहीं सत्यों सज्जनों का राज होगा। मेरे मन में बहुत बड़ी भगवली है और इस भगवली का अंत तभी होगा जब नंदी पाड़ों का शासन हो जाएगा, जब बीवी आई राज सरकार को अपने हाथ में ले लेगी। तो प्यारों, मेरे भाइयों, बहनों, मेरा परमात्मा से पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, वो हर वक्त हमारे साथ है, हर काम में हमारे साथ है, लेकिन कोई भी ढोंगी पाजंगी यादवी दिखावट वाली चीज उनके साथ नहीं है। उन लोगों के लिए उनका सफल होने का आशीर्वाद नहीं है। वो इसलिए आज सफल है कि अच्छे लोग उठ नहीं रहे, एकताबद्ध नहीं है, वो संगठित नहीं है। तो हम लोग संगठित हो, एकताबद्ध हो, तब पापों की थरथराएगी, पापों का शासन समाप्त होगा और मानवता आ जाएंगे। इसलिए मैं आप सब से ही निवेदन करूंगा कि आप ये सोचिए जिनका कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से की प्यारी यही बनाएंगे, इसी में हम सबकी सफलता है, हमारे जीवन की सार्थक का है। दादा ने 80 साल की उम्र में और 20 साल की उम्र में इंजीनियरिंग करने के बाद संस्था के लिए गुरु के आदेश को पालन करने के लिए और जो क्रांति है इसको लाने के लिए इन्होंने अपने सारे चीज अपने ऐसा आराम को छोड़ करके और सन्यासी बनी। और हम लोगों के बीच में इतने जोश भर देते हैं, इनकी दो चीजें हर समय खलबली मचाई रहती है कि पापियों के हाथ में हमें नहीं आना और दूसरा विश्व से विश्व मानव से नहीं पढ़ाने का। ये बहुत बड़ा